हे गाइस, होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सवाल यह आता है कि हाउ मच स्टिपेंड आई विल गेट आफ्टर क्लियरिंग द सीएसआईआर नेट जीआरएफ एग्जामिनेशंस। सीएसआईआर नेट जीआरएफ एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के बाद कितने स्टाइपेंड मुझे मिलने वाले हैं, ये सवाल आता है। तो उसके ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो याद रहे कि एलएस पे जो है आपको कोई भी फेलोशिप नहीं मिलती। जीआरएफ की बात की जा रही है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। एफ का मतलब होता है फेलोशिप। तो ये जो है फेलोशिप मिलेगा तो दो कैटेगरीज आते हैं। जीआरएफ के बाद एक अपग्रेडेशन होता है एसआरएफ का। जूनियर के बाद आप हो जाते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप। सीनियर रिसर्च फेलोशिप की कैटेगरीज में आ जाते हैं। जब तक आप जीआरएफ रहते हैं तो आपको जो फेलोशिप मिलता है वो 31K प्लस एचआरए मिलता है। एचआरए सिटी बाई सिटी, हर एक सिटी का अलग अलग होता है। ऑन एन एवरेज जो एचआरए मिलता है वो लगभग अभी के तौर पे 6300 मिलता है, या कुछ शहरों में अभी भी 5600 है। कई शहरों में ये लगभग लगभग 9000 तक भी मिलता है, जहां पे महंगे शहर से। तो एचआरए का जो अमाउंट होता है वो आपके किस शहर से आप पीएचडी कर रहे हैं और किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, उसकी लोकेलिटी के बेसिस पे जो है एक अमाउंट डिसाइड किया जाता है। अगर बहुत हाई फाई सिटी में, अगर आप मुंबई में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, तो एचआरए थोड़ा बेहतर मिलेगा। आप बनारस में हैं, आप लोकल प्रयागराज में हैं, तो वहां पे एचआरए कुछ इस तरीके से मिलेगा। और लोकल छोटे शहरों में चले जाएंगे तो वो और कम मिलेगा, ठीक है। एचआरए आपके लोकेलिटीज पे डिपेंड करता है, बट एक एवरेज एचआरए लगभग ऑन एन एवरेज जहां तक है 6300 पर मंथ मिलता है। एचआरए बोले तो हाउस रेंट अलाउंसेस, मतलब अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तब। एचआरए उन्हीं को मिलता है जो हॉस्टल, जिनको नहीं मिला है, जो बाहर रह रहे हैं पीजी फ्लैट या कुछ लेके, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। इसके बाद 31,000 प्लस लगभग इस पे कर लिया जाए तो आपको जो कुल मिला जुला के मोटा मोटी रकम मिलता है वो 37,300 मिलते हैं जेआरएफ के बाद, अगर मैं एचआरए को मिक्स कर दूं तो। जबकि एसआरएफ की बात करें तो इस सीनियर रिसर्च फेलोशिप में इससे जो है 5,000 आपको ज्यादा मिलता है। मतलब जो फेलोशिप यहां पे होती है, सिर्फ फेलोशिप, वो है 35,000। और एचआरए, याद रहे, अगेन मैं आपको बता दूं कि एचआरए सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो लोग हॉस्टल से बाहर हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप आईटी दिल्ली से ही क्यों ना पीएचडी करें, अगर आप आईटी दिल्ली के हॉस्टल में हैं तो आपको सिर्फ फेलोशिप मिलेगी। एसआरएफ की 35,000 और जीआरएफ की 31,000। लेकिन अगर आप हॉस्टल में ना रह के कहीं बाहर पे रह रहे हैं, उसके लिए जो है आपको प्रूफ भी देना पड़ता है कि आप बाहर हैं। एग्रीमेंट भी कई बार देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं आपको कि यू आर लिविंग आउटसाइड द हॉस्टल, और उसके पीछे रीजन भी देना पड़ता है कि हो सकता है आपको सीट ना मिली हो, फैमिली रह रही हो, तबीयत ठीक नहीं रहता हॉस्टल के, खाने से एलर्जी है, जो भी रीजन आपको है वो आप देके तब बाहर रह रहे हैं, और बाहर रह रहे तब भी आपको एचआरए मिलेगा। तो एचआरए जो यहाँ पे मिलता है, अगेन वही कंडीशन मिलेगा 6300। तो ये लगभग लगभग जो है आपके पास कितना अमाउंट आ जाता है, 41,300 ये आ जाएगा मोटा मोटी। तो लगभग लगभग जो है 37,300 के आसपास एचआरए के साथ फेलोशिप मिलती है जेआरएफ में। विदाउट एचआरए जो मिलता है वो 31,000 मिलता है, और इन द केस ऑफ एसआरएफ विदाउट एचआरए जो मिलता है वो 35,000, और फेलोशिप के साथ जो एचआरए के साथ जो मिलता है वो 41,300 के आसपास। एक मोटा मोटी हिसाब है। एचआरए मैंने बोला है कि ये वेरी कर सकता है। फिक्स्ड अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो 31,000 फॉर जेआरएफ और 35,000 फॉर एसआरएफ। सवाल यहां पे आ जाता है कि जेआरएफ कितने दिनों तक होता है और एसआरएफ। जेआरएफ की जो वैलिडिटी पीरियड मानी जाती है वो 3 साल तक दी जाती है, मतलब फर्स्ट टू ईयर्स तक आपको जेआरएफ की फेलोशिप मिलती है, नॉट थ्री, फर्स्ट टू ईयर्स तक जो है वो जेआरएफ की फेलोशिप। मतलब पहले 2 सालों तक आपको 31 मिलेगा पीएचडी में, फिर जब आप जेआरएफ से अपग्रेड हो जाएंगे एसआरएफ में तो 3रे साल से अपग्रेडेशन होता है। उससे कभी कभी कुछ लोग अगर बहुत एक्स्ट्रा एडवांस रिसर्च कर रहे हैं तो पहले भी करा लेते हैं। तो लगभग 2 साल के बाद ऑन एन एवरेज आप एसआरएफ में अपने आप को अपग्रेड कराते हैं। प्रेजेंटेशंस वगैरह देना पड़ता है, अपने रिसर्च प्रोग्रेस को दिखाना पड़ता है, रिपोर्ट भेजनी पड़ती है सीएसआईआर को, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, इसका एक अलग से पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशंस होता है।
कमेटी बैठेगी, आपको इवेल्युएट करेगी और आपको लगेगा कि आप जेआरएफ के लिए सुटेबल है, तो वो साइन करके उस डॉक्यूमेंट पे देंगे, वो आप सीएसआईआर को भेजेंगे, तो सीएसआईआर आपको अपग्रेड कर देगा लगभग 2 सालों के बाद, तब जाके एसआरएफ से आपको ये पैसे मिलेंगे। एसआरएफ का जो अमाउंट है लगभग 3 सालों तक चलता है, मतलब टोटल 5 ईयर्स तक की पीएचडी फेलोशिप आपको सीएसआईआर देती है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के जेआरएफ फर्स्ट 2 ईयर्स, एसआरएफ आफ्टर दैट फर्स्ट 2 ईयर्स, देयर इज 3 ईयर्स एसआरएफ। फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 31,000 विदाउट एचआरए, लगभग 37,300 विथ एचआरए, और उसके बाद जब बात करते हैं एसआरएफ के लिए, आफ्टर 2 ईयर्स यू विल गेट एसआरएफ, अगर आपको एसआरएफ मिलता है तो 35,000 विदाउट एचआरए और 41,300 विथ एचआरए। ठीक है, सो ये जो है कहानी कुछ फेलोशिप के बारे में रही है। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।